नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में भयंकर एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय तक हमारी सरकार, पॉलिटिशियंस और गोदी मीडिया इस पर चुप रहे थे, इस इशू को इग्नोर करने की कोशिश करी थी, लेकिन जब बात हद से पार हो गई, इस खबर को दबाए रखना नामुमकिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जब इस पर बयान आ गया, तब जाकर इन्हें चुप्पी तोड़नी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मुद्दे पर 77 दिन तक चुप्पी बनाए रखी थी। वो 77 दिन जिनके बीच में ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अनुसार 50,000 से 60,000 लोग मणिपुर में डिस्प्लेस हो गए, अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए। करीब 140 से लेकर 200 के बीच में लोगों की जाने गई। 5,000 से ज्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए आगजनी के। ये आंकड़े मणिपुर सरकार ने खुद दिए थे सुप्रीम कोर्ट को 10 जुलाई को। फिर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक औरत के खिलाफ बेहद बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा था, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया मणिपुर को लेकर। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। अभी भी जब सरकार में बैठे लोग मणिपुर की बात करते हैं, ये व्हाट अबाउटिज्म के तौर पर करते हैं। कहते हैं मणिपुर के बारे में क्यों बोल रहे हो, वेस्ट बंगाल राजस्थान में जो हो रहा है औरतों के खिलाफ, वहां पर भी आवाज उठाओ। आखिर क्या सच छुपाया जा रहा है मणिपुर को लेके इन नेताओं के द्वारा? क्या कारण है कि मणिपुर में ये एथनिक वायलेंस शुरू हुआ और क्यों पुलिस अब इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है? मणिपुर के वायलेंस के पीछे छुपा एक लार्जर एजेंडा क्या है? ये कहानी इतनी गहरी है और इतनी हैरान कर देने वाली है कि इसे मुझे 2 वीडियोस में स्प्लिट करना पड़ा है। आज का ये वीडियो पार्ट 1 है इस सीरीज का। आइए शुरू करते हैं। This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked 77 days later. इसके बारे में क्या बताऊं? अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या ये माना जाए कि वे अब खुद को हर सवाल और हर आलोचना से सुप्रीम समझने लगे हैं? मन की बात करेंगे मगर मणिपुर की बात नहीं करेंगे। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाना। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, ये 2 एथनिक कम्युनिटीज के बीच में हो रहा है, मेनली मैतेई लोगों की कम्युनिटी और कुकी लोगों की कम्युनिटी। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एक सोर्स ने इंडिया टुडे मीडिया हाउस को बताया था कि करीब 2000 घर मैतेई लोगों के जलाए गए हैं या वैंडलाइज किए गए हैं और 1425 घर कुकी लोगों के जलाए गए या वैंडलाइज किए गए। इसके अलावा 17 मंदिरों को और 221 चर्चों को भी जलाया गया या वैंडलाइज किया गया अलग अलग लोकेशंस पर। ये रिपोर्ट थी 2 जून 2023 की। मणिपुर में हो रहे वायलेंस को समझने के लिए हमें इन दोनों कम्युनिटीज के बीच मौजूद दरार को समझना पड़ेगा। एक ऐसी दरार जो ना सिर्फ पॉलिटिकल है, एथनिक है, बल्कि ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल भी है। ज्योग्राफिकली अगर पहले बात करें हम, मणिपुर के अगर आप नक्शे को देखोगे तो ये नक्शा 2 हिस्सों में बड़ी आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। पहला इम्फाल वैली और दूसरी उसके आसपास की पहाड़ियां। जो वैली में मौजूद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कुल मिलाकर 11% एरिया है मणिपुर का, और जो पहाड़ियों में मौजूद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो करीब 89% मणिपुर का एरिया है। पॉलिटिकली बात की जाए तो मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं, लेकिन वो जो 89% पहाड़ियों वाला एरिया है, उनको सिर्फ 20 सीटें मिली है मणिपुर असेंबली में, और जो 11% वैली वाला एरिया है, उन्हें 40 सीटें मिली है असेंबली में। इसके पीछे एक कारण है पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन वैली के एरियाज में देखने को मिलती है। सेंसस 2011 के अनुसार वैली एरियाज में करीब 57% पॉपुलेशन है मणिपुर की, और पहाड़ियों वाले एरियाज में करीब 43% पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन का जो रेशियो है और सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पॉपुलेशन 57/43 1.33 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन असेंबली सीट्स 40/20 ऑलमोस्ट डबल है। बहुत से लोग इस डिस्प्रोपोर्शनेट सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। अब इसके अलावा एक इकोनॉमिक दरार भी बनी है हिल वाले एरियाज में और वैली वाले एरियाज में। पहाड़ियों में मौजूद डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा गरीब हैं और वैली में मौजूद डिस्ट्रिक्ट्स कंपैरेटिवली ज्यादा अमीर हैं। ये मुद्दा भी दशकों से एक चर्चा का मुद्दा रहा है। साल 2002 से लेकर 2017 के बीच में कांग्रेस की सरकार रूल कर रही थी मणिपुर को। तो 2017 के इस आर्टिकल को देखिए जिसमें कांग्रेस पर आरोप डाला जाता है कि उन्होंने पहाड़ियों के एरिया को डेवलपमेंट एजेंडा से एक्सक्लूड करके रखा। फिर 2017 में बीजेपी पावर में आती है मणिपुर में इसी वादे को लेकर कि ये जो इकोनॉमिक गैप बन गया है पहाड़ियों और वैली के बीच में, वो इसे कम करेंगे। बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, गो टू हिल्स एंड गो टू विलेजेस। इसका मकसद साफ था कि जो डेवलपमेंट है वो पहाड़ियों में भी लाई जाए। लेकिन 5 सालों तक सरकार में बने रहने के बावजूद भी ज्यादा फर्क नहीं आता, और 2022 में जब दोबारा से इलेक्शंस होती हैं मणिपुर में, ये हिल और वैली के बीच में मौजूद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अभी भी एक बड़ा मुद्दा बनता है। अब रिलीजन और एथनिसिटी को लेकर बात करी जाए तो यहाँ भी एक दरार देखने को मिलती है। वैली डिस्ट्रिक्ट्स में मैतेई लोग रहते हैं जो मोस्टली हिंदूज हैं।
मोस्टली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई मैतेई लोग हैं जो बाकी धर्मों को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि 16% अपने ट्रेडिशनल रिलीजन साना माहिज्म को फॉलो करते हैं। इस रिलीजन के अनुसार ये नेचर की वर्शिप करते हैं और अपने भगवान लैनी गंधु सना माही को मानते हैं। यहाँ कुछ मैतेई हिंदू भी हैं जो सना माहिज्म के कुछ एलिमेंट्स को प्रैक्टिस किया करते हैं। और इसके अलावा करीब 8% मैतेई मुस्लिम्स हैं, जिन्हें मैतेई पंगाल बुलाया जाता है, और कुछ परसेंटेज मैतेई कम्युनिटी की क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करती है। दूसरी तरफ पहाड़ियों में कुकी जोमी और नागा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, ये लोग मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। मोस्टली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर से कुछ परसेंटेज इन कम्युनिटी के लोग बाकी धर्मों में भी मानते हैं, जूडाइज्म, इस्लाम, एनिमिज्म इनका ट्रेडिशनल रिलीजन है, जहां पर ये नेचर स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं। ये पहाड़ियों में रहने वाले ट्राइबल लोग अलग अलग सब ट्राइब्स में डिवाइडेड हैं, तो वहां पर उनके कल्चर्स और ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस थोड़े बहुत वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मैतेई वर्सेस कुकीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैतेई मोस्टली हिंदूज हैं और कुकीज मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, यहां पर ये दरार भी देखी गई है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक कॉम्युनल एंगल भी बनाया गया है, यही कारण है जिसकी वजह से मंदिरों को और चर्चों को भी जलाया गया, वैंडलाइज किया गया। इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मौजूद कॉम्युनल क्लैश से हुआ क्या है कि एक कम्युनिटी है लोगों की जिनके लिए हालत बेहद खराब हो गई। मैं बात कर रहा हूँ करीब 3 लाख लोगों की जो कि मैतेई क्रिश्चियंस हैं। ये अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं ना सिर्फ कुकी ट्राइबल लोगों से बल्कि मैतेई हिंदू से भी। चूर चांदपुर में मैतेई क्रिश्चियंस के घरों पर आग लगाई गई कुकी मॉब्स के द्वारा, और वैली का जो वांगजिंग एरिया है वहां पर मैतेई भीड़ ने एक इंस्टीट्यूशन पर आग लगाई जिसे मैतेई क्रिश्चियंस चलाते थे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर ही उठता है कि मान लिया अलग अलग दरारें मौजूद हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिर्फ इन डिफरेंसेस की वजह से दो कम्युनिटीज लड़ेंगी नहीं, क्या कारण था कि इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई? अब कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास देखो, इतिहास में भी काफी बारी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं मैतेई और कुकी लोगों के बीच में। ये बात सच है, तो पहले इतिहास पर एक नजर डालते हैं जिससे हमें बेहतर समझ मिले इसकी। हिस्टोरिकली मणिपुर पर मैतेई राजाओं का राज रहा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर का मतलब पूरा मणिपुर या सिर्फ वैली वाला एरिया या पहाड़ी वाला एरिया? इसी सवाल की वजह से बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले मणिपुर के इतिहास में, जब वैली में मौजूद राजा महाराजा अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड करने की कोशिश करते थे पूरी मणिपुर के रीजन पर, और पहाड़ियों में मौजूद जो नागा ट्राइबल लोग थे वो अपने आप को हमेशा आजाद देखते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जेम्स सी स्कॉट ने एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ नॉट बीन गवर्नड, एन एनार्किस्ट हिस्ट्री ऑफ अपलैंड साउथ ईस्ट एशिया। इस किताब में जेम्स बताते हैं कि वैली में जब भी किसी एक राज्य की फॉर्मेशन होती थी, एक स्टेट, चाहे वो स्टेट एक एम्पायर हो या फिर एक सरकार हो, पहाड़ियों में हमेशा एक नॉन स्टेट बन जाती थी। ये स्टेट और नॉन स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, ये उसे सरप्लस करके पुकारते थे, यानी एक्स्ट्रा। वैली में नदियां थी, नदियों का मतलब था परमानेंट सेटलमेंट, लोग खेती करते थे, ट्रेड होती थी, लेकिन पहाड़ियों में लाइफ काफी अलग थी, पहाड़ियों में मिनिमलिज्म देखने को मिलता था। आज के दिन भी हमें बहुत से लोग जंगलों में देखने को मिलते हैं जो एक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है कि जब जंगल का एक एरिया क्लियर किया जाए, वहां कुछ फसलें उगाई जाएं, और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए तो किसान शिफ्ट कर जाते हैं और एक दूसरी जमीन ढूंढते हैं कल्टीवेशन के लिए। इससे नेचुरली जो मिट्टी में फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो वापस आ जाती है। ये चीज इतनी कॉमन है दुनिया भर में कि इसे ढेरों नाम दिए गए हैं। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल, ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, मध्य प्रदेश में बेवार या धैया कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी, हिमालयन बेल्ट में खिल, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। और जो लोग ऐसी जिंदगी जीते थे पहाड़ियों में, उनके पास कोई सरप्लस नहीं होता था, सिर्फ इतना ही खाना उगता था जितना उनके सस्टेनेंस के लिए जरूरी था, कई बार उतना भी नहीं होता था अगर बारिश ढंग से ना आए तो। खाने की कमी की वजह से वो जाते कहां पर? वो जाते वैली की ओर, लेकिन वैली में तो ऑलरेडी लोग मौजूद थे, वैली में मौजूद लोगों ने अपने परमानेंट खेत बना रखे थे, अपने परमानेंट घर बना रखे थे। तो इसलिए होता क्या था, पहाड़ियों में मौजूद लोग हिस्टोरिकली इन वैली के लोगों को रेड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ जोसेफ प्रुदों का एक फेमस कोट याद आता है, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, या फिर जो इंडियन विजडम है, सभी भूमि गोपाल की। ताकतवर लोगों ने एक बार अपने नाम रजिस्ट्रियां करवा ली, और जो समाज के कमजोर लोग थे उनको किसी को जमीन नहीं मिली, उसी को आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसी को आज अति पिछड़ा कहते हैं, उसी को आज
शोषित समाज के लोग कहते हैं, एससी एसटी के लोग कहते हैं, दलित वाल्मीकि आदिवासी वनवासी कहते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रियां करवा ही नहीं पाए। लेकिन दुनिया में अक्सर इतिहास में देखा गया है कि गवर्नेंस रैशनल इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल डिस्कोर्स से नहीं होती, बल्कि लालच और पावर स्ट्रगल से होती है। वैली में मौजूद जो राजा महाराजा होते थे, वो पहाड़ियों में मौजूद लोगों से अक्सर एक डील कर लेते थे, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि देखो हम लड़ाई नहीं करते, आपको खाने की जरूरत है, हमें पता है इस बारी मॉनसून सीजन अच्छा नहीं रहा, तो हम आपको कुछ खाना दे देंगे और बदले में हम पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे पोसा सिस्टम बुलाया जाता है। तो इतिहास में अलग अलग टाइम्स पर शांति भी देखने को मिली थी इन कम्युनिटीज के बीच में। हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि नागा ट्राइबल्स अहोम आर्मी में सर्व किया करते थे, स्पेशली अंडर लचित बोरफुकन, वो महान अहोम जनरल जिन्होंने मुगलों की आर्मी को हराया था। अब ये सिचुएशन मोर और लेस मेंटेन रही अर्ली 1800s तक, जिसके बाद बर्मीज लोग आए और फिर ब्रिटिश लोग आए। यहाँ एक तीन भाइयों की कहानी आती है जो मैतेई रॉयल्स थे निंग थूजा डायनेस्टी से। ये तीन भाई थे मरजीत सिंह, चोरुआजीत सिंह और गंभीर सिंह। ये तीनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे सत्ता के लिए। अब यहाँ टिपिकल कहानी चलती है गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, तीनों मैतेई भाइयों में झगड़ा होता है सत्ता को लेकर। एक भाई किसी पास वाले राजा की मदद लेता है, दूसरा भाई बर्मीज लोगों की मदद लेता है, बाद में बर्मीज के हाथों पपिट बन जाता है और फिर वही लोग इसे सत्ता से बाहर भी निकाल फेंकते हैं। वही कहानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी, मैंने इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया का कंट्रोल टेक ओवर किया था। और फिर पहले भाई वाला राजा भी कभी बर्मीज से मदद लेता है, कभी ब्रिटिश से। बहुत सी अलायंसेज बनती हैं, टूटती हैं, टिपिकल गेम ऑफ थ्रोन्स फैशन में। रेलेवेंट यहां यह है जानना कि साल 1819 और 1826 के बीच में मणिपुर बर्मीज ऑक्यूपेशन के अंडर आ जाता है। मैतेई रॉयल गंभीर सिंह एक आर्मी रेस करते हैं ब्रिटिश की मदद से साल 1824 में, इसे मणिपुर लेवी कहा जाता है, और इन्हीं दोनों फोर्सेस के बीच में पहली एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। इस वॉर में ये मणिपुर लेवी मणिपुर वैली को रिकैप्चर कर लेती है, बर्मीज को वापस पीछे धकेला जाता है और प्रिंस गंभीर सिंह राजा गंभीर सिंह बन जाते हैं। फिर आगे चलकर एक पीस ट्रीटी साइन करी जाती है बर्मीज और ब्रिटिश के बीच में। इस सारी गेम ऑफ थ्रोन्स के बीच पहाड़ों में रहने वाले जो नागा ट्राइबल लोग थे वो अभी भी थे, लेकिन उनके साथ क्या होता है? बताया जाता है मणिपुर में मौजूद एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बर्मा के कुकीचिन पहाड़ों से कुकी जोमी लोग को लेकर आते हैं वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए नागा लोगों से। यहाँ जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स थी जो पहाड़ों में रहती थी। एक कुकी जोमी ट्राइब हो गई, एक नागा लोगों की ट्राइब हो गई, और सुनकर आपको लगेगा कि एक दूसरे देश से कुछ लोगों को लाया जा रहा है इस देश में लड़ाई करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन आज के दिन जो देशों की बाउंड्री है उससे थोड़ा हटकर आप देखोगे नक्शे पर, तो आपको दिखेगा कि ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। नक्शे पर देखो, मणिपुर यहाँ है, इसके पास में मिजोरम है और इसके बिल्कुल बगल में बर्मा का चिन एरिया है यानी म्यांमार, और इसके पास में ही आज के दिन के बांग्लादेश में चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं। ये सारे एरियाज जंगलों से भरे हुए हैं, पहाड़ियां हैं, और ट्राइबल कुकी लोग इन्हीं पहाड़ियों में रहते थे। क्योंकि आदिवासी लोग सेमी नोमैडिक थे, इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई किंगडम्स नहीं थे। यही कारण है कि मिजोरम के मिजोस, मणिपुर के कुकीज, चित्तागोंग के कुकी चिन्स और म्यांमार के चिन्स, ये सब एक दूसरे से एथनिक टाइज शेयर करते हैं और इन्हें कलेक्टिवली जो पीपल करके बुलाया जाता है। ये चीज जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दिन भी मिजोरम में हमें डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं कुकी लोगों के फेवर में। साल 2021 में मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जो सेंटर गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है म्यांमार के रेफ्यूजीज को लेकर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अनरेगुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है देश में, ऑब्वियसली वो तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो इमोशनल एथनिक कनेक्शन है इन सारे ट्राइबल लोगों के बीच में, उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन सरकार एक बार्ब्ड वायर फेंस लगा रही है 390 किलोमीटर लंबा इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन जो रेफ्यूजीज म्यांमार की इन पहाड़ियों से इंडिया में आ रहे हैं, म्यांमार में हो रहे वायलेंस से भागकर, उनको लेकर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और वैसे इस इमोशनल कनेक्शन से एम्पथाइज करना मैतेई लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार में भी मैतेई कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें वॉर के समय मणिपुर से म्यांमार लाया गया था फोर्स्ड लेबरर्स के तौर पर। एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, इंडो म्यांमार फ्रेटरनल अलायंस, इनके अनुसार म्यांमार में रहने वाले मैतेईस की पॉपुलेशन 25,000 लोगों के अराउंड है। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन और अपर म्यांमार हिंदू काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाया जाए मणिपुर में रहने वाले मैतेईस का और म्यांमार में रहने वाले मैतेईस का। बीजेपी के एमपी तापिर गाव ने भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन दोनों देशों के बीच सोशल कनेक्शन को बढ़ावा देगी।
ये कनेक्शन इतना गहरा है कि अभी के वक्त भी जब मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, करीब 333 ने म्यांमार में जाकर शेल्टर ली है। लेकिन अभी की कहानी पर आए तो मैती लोग कंप्लेन करते हैं कि म्यांमार से कुकी चिन लोगों की अलेजिड इन्फिल्ट्रेशन हो रही है मणिपुर में। हम अपने इतिहास पर वापस आए तो जैसा मैंने आपको बताया था, करीब 200 साल पहले कुकी लोगों को म्यांमार की पहाड़ियों से मणिपुर की पहाड़ियों में लाया गया। एक स्मॉल डिस्टेंस माइग्रेशन कह सकते हो, लेकिन सवाल ये कि उन्हें क्यों लाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा ट्राइबल लोगों की तरह कुकी ट्राइबल लोग भी बड़े जोरदार वॉरियर्स होते हैं। एक मैती राजा ने उन्हें जमीन दी पहाड़ियों की रिजिस पर, वो एरिया जहां पर पहाड़ियां और वैली एक दूसरे से मिलती हैं, ताकि इम्फाल वैली के लिए वो जमीन बफर की तरह काम कर सके। आगे चलकर आप एक और मैती राजा को देख सकते हो, महाराजा बोधचंद्र। इस फोटो में चार कुकी बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े हैं और ये तो 1900s की बात है। तो कुछ राजाओं ने कुकीज को बुलाया था मैतीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के दिन के कॉन्फ्लिक्ट को देखकर कितनी आयरोनिक बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटिश ने डिमांड किया था मणिपुर के राजा से कि उन्हें 2000 आदमी प्रोवाइड किए जाएं लेबर कॉर्प्स के लिए। ये वो लोग हैं जो सड़कें बनाते हैं ब्रिटिश के लिए या उनका सामान उठाते हैं। मणिपुर के राजा ने सोचा कि इन कुकी लोगों को ब्रिटिश के हाथों दे देते हैं, लेकिन कुकी लोग जो थे उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। इंस्टेड उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ ही एक वॉर डिक्लेयर कर दी। ये हुआ साल 1917 में और इसे कहा जाता है द ग्रेट कुकी रेबेलियन या फिर एंग्लो कुकी वॉर। ब्रिटिश को 2 साल लगे इनकी इस लड़ाई को सप्रेस करने में, लेकिन इससे पहले भी 1800s में कुकीज ने कई बारी लड़ाई छेड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेट 1800s में जो वैली में रहने वाली मैतेई की पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आती थी, लेकिन पहाड़ियों में मौजूद कुकीज नहीं उसके अंडर आते थे। एक रीजन तो इसके पीछे यही था कि पहाड़ियों के एरियाज में ब्रिटिश अपनी डोमिनेंस नहीं जमा पाया था, लेकिन दूसरा कारण ये था ब्रिटिश लोगों का खुद का जो एटीट्यूड था ट्राइबल लोगों को लेकर, वो ये था कि ये जो आदिवासी लोग हैं तो बड़े सैवेज होते हैं, हम लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम इन्हें अपनी देश का पार्ट नहीं बनाना चाहते। कुछ एरियाज ब्रिटिश ने अनगवर्नेबल की कैटेगरी में डाले थे और इसी के चलते असम में उन्होंने एक इनर लाइन बनाई थी। ये लाइन पहाड़ियों में मौजूद ट्राइबल लोगों के जंगलों को ब्रिटिश के कंट्रोल में जो फार्म लैंड्स हैं उसे सेपरेट करती है। पहाड़ियों में मौजूद जो आदिवासी हैं वो अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज के अंडर आते हैं। ब्रिटिश ने इन अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज को कई अलग अलग नामों से बुलाया, जैसे कि बैकवर्ड ट्रैक्ट्स, एक्सक्लूडेड एरियाज या पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज। साल 1891 में ब्रिटिश ने सिमिलर सिस्टम लगाया मणिपुर में भी, एक इनर लाइन बनाई जाएगी कुकीज को दूसरी तरफ रखने के लिए। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपने ऐसे सैवेजिंग द सिविलाइज्ड में बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने इन पहाड़ियों के रीजन को इंडियन लेजिस्लेचर में कभी लाने की सोची ही नहीं, क्योंकि इन्हें लगा कि ये डेमोक्रेसी के लिए फिट नहीं होंगे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेतेई कहते हैं कि ट्राइबल शब्द के दो बड़े एक्सट्रीम मतलब है। एक तरफ आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे लोग ट्राइबल आदिवासी लोगों को जंगली मानते हैं, कि ये तो बड़े प्रिमिटिव लोग हैं, सिंपल माइंडेड हैं, डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, और कई फिल्मों में भी इसी स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया जाता है कि ये देखो ये आदिवासी लोग हाथों में ये स्पीयर्स लिए झिंगा लाला हु करते घूमते हैं। और दूसरी तरफ लोगों के मन में ट्राइबल लोगों की परसेप्शन होती है कि ये तो बड़े ही इकोलॉजिकल विजडम से भरे लोग हैं, ये हमेशा नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, बड़े ही स्पिरिचुअल लोग हैं, हमेशा लोगों की केयर करते हैं, ट्राइबल म्यूजिक बड़ी ही अच्छी चीज़ है, पेंटिंग, डांस, इंडिजिनस लोग। और ये वाला स्टीरियोटाइप हमें देखने को मिलता है अवतार जैसी फिल्मों में या कांतारा जैसी फिल्मों में। साल 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नेशनल ट्राइबल पॉलिसी बनाई जो इस पॉजिटिव परसेप्शन को बढ़ावा देती। इस पॉलिसी के अनुसार हमें इन आदिवासी लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, हम इनका कल्चर प्रिजर्व करें और हम इन्हें मेनस्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करें बिना इनका कैरेक्टर डिस्ट्रॉय किए। इस पॉलिसी के अनुसार एक मेजर जो अडॉप्ट किया गया सरकार के द्वारा वो था इनर लाइन परमिट। ये इनर लाइन परमिट हमें देखने को मिलता है आज के दिन नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स में। इसके अनुसार जो जंगल में रहने वाले ये इंडिजिनस लोग हैं, इनके जंगल को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा और जो इनका लोकल ट्राइबल कल्चर है उसे मेंटेन किया जाएगा। लेकिन जब बात मणिपुर पर आई तो बात इतनी सिंपल नहीं थी। कई मैतेई लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस इनर लाइन परमिट के इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ आज से 7-8 साल पहले। मैतेई लोगों का मानना था कि बहुत से माइग्रेंट्स बाकी और स्टेट से इनके लोकल मार्केट में दुकानों में आ रहे थे और इनके लोकल कल्चर को खतरा था। उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने 3 कानून पास करने की कोशिश करी। एक था प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स बिल 2015 और 2 और बिल्स थे जो जमीन और दुकानों से रिलेटेड थे। इन 3 बिल्स की मदद से इफेक्टिवली एक इनर लाइन परमिट मणिपुर को भी मिल जाता, लेकिन जो पहाड़ियों में रहने वाले ट्राइबल लोग थे कुकी लोग, उन्हें लगा कि ये जो बिल है वो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करता है। मई 2016 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इस प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स बिल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल जिस तरीके से
मणिपुरी इंसान को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। कांग्रेस सरकार ने फिर एक नया वर्जन ड्राफ्ट किया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के पास भेजा। यहाँ पर कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए मणिपुर सरकार, कुकी और नागा लोगों के बीच में, और इसके चलते फिर मणिपुर पीपल्स प्रोटेक्शन बिल 2018 पास किया गया मणिपुर असेंबली में जुलाई 2018 में, और इस वक्त नई बीजेपी की सरकार ऑलरेडी पावर में आ चुकी थी। मणिपुर में ये इनर लाइन परमिट सिस्टम इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2020 से। इसका मतलब ये था कि इंडिया की बाकी और स्टेट्स में रहने वाले नॉन मणिपुरी लोग, उन्हें मणिपुर अगर आना है तो परमिट की जरूरत पड़ेगी। चार अलग अलग टाइप के परमिट्स हैं, टेम्पररी, रेगुलर, स्पेशल और लेबर परमिट। इसे देखकर इंडिया की बाकी स्टेट्स में रहने वाले लोगों ने कहा कि ये तो फेयर नहीं है, अपनी नाराजगी जताई, और एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। इसी समय के अराउंड दिसंबर 2019 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट की सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। यह है इनफेमस CAA एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अनुसार नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाली, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियंस जो इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक पर ग्रांट करी जाएगी। लेकिन मणिपुर के लोग इसे बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो होम मिनिस्टर ने कहा कि ये CAA वाला एक्ट मणिपुर में लागू नहीं होगा। मणिपुर के लोगों का मानना था, और इनफैक्ट पूरी नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का मानना था, कि जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है वो तो साइड में कर लो, लेकिन जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बाकी और देशों से हमारी स्टेट्स में रहने, हमें वो नहीं चाहिए। आप शायद पूछोगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है सेम देश में एक स्टेट यहाँ पर अपने अलग कानून बना रही है, एक परमिट चाहिए बाकी देश के लोगों को उस स्टेट में आने के लिए, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ भी करता है? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ है दोस्त। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1), इसके अनुसार सेल्फ गवर्नेंस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अलाउड है ट्राइबल एरियाज के अंडर कस्टमरी लॉस के साथ। ये करा जाता है ट्राइबल एरियाज में ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाकर, जिन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाए तो ADCs, और इन ADCs के पास अधिकार होता है ऐसे कानून बनाने का, जैसे कि बाहर के आउटसाइडर्स को ट्राइबल जमीन खरीदना अलाउड नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 6th शेड्यूल अप्लाई करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ सर्टेन ट्राइबल एरियाज में। सन 1974 से मणिपुर में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज की डिमांड रही है कि इस 6th शेड्यूल को मणिपुर के पहाड़ी वाले एरियाज में भी एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ये अभी तक किया नहीं गया है। लेकिन एक समवट सिमिलर चीज करी गई है मणिपुर में। यहाँ एक मणिपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एक्ट 1971 बनाया गया है, जिसके चलते 6 ADCs मणिपुर में एस्टैब्लिश किए गए फरवरी 1972 में। ये वही साल था जब मणिपुर एक सेपरेट स्टेट बना। अब इसके अलावा एक आर्टिकल 371(c) भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अनुसार इंडियन प्रेसिडेंट मणिपुर के हिल एरियाज से कुछ MLAs को इलेक्ट करते हैं और एक हिल एरियाज कमेटी की स्थापना करते हैं। दूसरा, जो मणिपुर के गवर्नर है वो इंडियन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं हर साल कि मणिपुर के हिल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही है। और इसी आर्टिकल 371(c) के अनुसार जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते मणिपुर के हिली ट्राइबल एरियाज में। अब इस आर्टिकल को लेकर एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के मन में, उन्हें लगता है कि मैतीस के पास सिर्फ 11% जमीन है वैली में और कुकीज और नागास के पास पहाड़ियों में 89% जमीन है, जिसका मतलब है कि कुकीज और नागा इस 89% जमीन के मालिक बन गए। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। वैली में जो मैती लैंडलॉर्ड्स हैं, जो उस जमीन को ओन करते हैं, वहां पर खेती करते हैं, वो जरूर लैंडलॉर्ड्स हैं, उस जमीन के हकदार हैं, लेकिन कुकीज और नागास कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं है। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया था, ये ट्राइबल लोग हैं, अक्सर सेमी नोमैडिक जिंदगी जीते हैं। अब 2 साल पहले क्या हुआ दोस्तों, हिल एरियाज कमिटी ने एक ड्राफ्ट ADC अमेंडमेंट बिल 2021 रेकमेंड किया। इसके अनुसार जो हिल एरिया कमिटी है और जो 6 ADCs हैं, उन्हें और ऑटोनॉमी और आजादी दी जाएगी। कांग्रेस के MLA जो थे यहां से, वो द वायर के साथ इंटरव्यू करके कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो देश में अब कोल्ड स्टोरेज की तरह बन गए हैं, और ये बिल एक जरिया है हिल में रहने वाले लोगों के द्वारा अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का। Now when an act which is there to empower the minorities is totally cold storage, then those people who are minorities for which special provisions of the law were enacted, then what happens to their lives? It goes from bad to worse. इनका मानना था कि जो existing HAC और ADCs हैं, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, उन्हें और आजादी देने की जरूरत है सरकार से, ताकि वो और फंक्शनल बन सके। और इनका ये भी कहना था कि ये बिल वैली में रहने वाले लोगों के खिलाफ नहीं था। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये क्यों
जब हम सब देशवासी एक देश में रह रहे हैं। हर इंडियन सिटीजन को अधिकार होना चाहिए देश में कहीं भी जमीन खरीदने का। ट्राइबल लोगों को ये स्पेशल राइट क्यों दिया जाए? यहाँ मैं आपको कहूंगा, थोड़ा कोलोनियलिज्म के बारे में सोचो। एक तो होता है वो ट्रेडिशनल कोलोनियलिज्म की मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करके एक जगह पर कब्जा करना, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पर किया था। लेकिन इसके अलावा एक नए जमाने का कोलोनियलिज्म भी होता है, नियो कोलोनियलिज्म। इसमें एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म और कल्चरल इंपीरियलिज्म जैसी चीजें आती हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, चाइना ने अफ्रीकन देशों में जाकर क्या किया है? अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके उन देशों को ऑक्यूपाई नहीं किया, बल्कि पैसे का इस्तेमाल करके उन देशों को कर्ज में डुबा दिया है। दूसरा सोचो, ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू जैसे देशों के साथ क्या किया है? नाउरू की कहानी मैंने वर्ल्ड्स फैटेस्ट कंट्री वाले वीडियो में आपको बताई थी। इकोनॉमिक ट्रेड का बहाना बनाकर गंदे से गंदा, अनहेल्दी से अनहेल्दी खाना उस देश पर थोप दिया गया है, जिसकी वजह से आज के दिन वो दुनिया का फैटेस्ट देश बन गया। ये कुछ बड़े अच्छे उदाहरण हो सकते हैं नियो कोलोनियलिज्म के। अब सिमिलरली मैं कहूंगा, ये जो देश का कॉन्सेप्ट है, इसे 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से बाहर निकालकर इमेजिन करो। एक इंडस्ट्रियल शहर जहां पर अमीर लोग रहते हैं, और एक जंगल जहां पर गरीब इंडिजिनस ट्राइबल लोग रहते हैं। अगर वो अमीर लोग आकर उस जंगल में कहें कि ये रहा पैसा, मुझे अपनी जमीन बेच दो, अपना जंगल बेच दो, मैं यहां पर एक फार्म हाउस बनाऊंगा, एक रिजॉर्ट बनाऊंगा या फिर एक कोल माइन बनाऊंगा, तो क्या ये भी इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के दायरे में नहीं आना चाहिए? आदिवासी लोगों के लिए उनका जंगल ही घर है। हमारे देश में कहीं ना कहीं यही चीज देखी जा रही है अलग अलग लेवल्स पर। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश के बक्सवाहा, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में और मणिपुर की पहाड़ियों में। पहाड़ियों में रहने वाले जो ट्राइबल कुकी और नागा लोग हैं, उनकी क्या डिमांड है? वो कहते हैं कि मणिपुर की जो ऑफिशियल भाषा है वो मैथिलियन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। ये एक स्केड्यूल लैंग्वेज है 8th schedule के अंदर। मैथिल लोगों के पास उनकी वैली है, उन्हें इनर लाइन परमिट भी मिला हुआ है, ताकि नॉन मणिपुरी लोग आकर उनकी जमीन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। वैली में मौजूद लोगों को डबल सीट्स भी मिली हुई है असेंबली में, लेकिन हम कुकी लोगों को क्या मिला है? इसलिए एक लंबे समय से कुकी लोगों की डिमांड रही है कि उनके लिए एक नई स्टेट बनाई जाए, जिसका नाम हो कुकी लैंड। ये डिमांड लेट 1980 से ही उठाई जा रही है। साल 1993 में जब नागा कुकी क्लैशेस देखने को मिले थे, जिसमें करीब 1000 कुकीज मारे गए थे अकॉर्डिंग टू कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तब से ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मैथिल लोगों ने कुकी लोगों की मदद नहीं करी उस समय पर, इसलिए हमें एक अपनी अलग स्टेट चाहिए। साल 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन कुकी स्टेट डिमांड कमिटी ने एक मूवमेंट अनाउंस करी कुकी लैंड के फेवर में। इन्होंने क्लियरली कहा कि हम कोई सेपरेट देश की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के अंदर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा इनका कहना है कि अगर हमें सेपरेट स्टेट नहीं मिलता, कम से कम हमें 6th schedule के अंदर तो ले आओ। अगर 6th schedule के अंदर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो सकती हैं, तो मणिपुर क्यों नहीं? इसके बाद तीसरा इनका कहना है कि अगर 6th schedule के अंदर नहीं लाना, तो कम से कम ये ADC अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दो, ताकि हमें थोड़ी और ऑटोनोमस पावर मिल सके हमारी हिल एरिया कमेटी को और हमारे ADCs को। लेकिन ये डिमांड्स पूरी करना तो छोड़ो, अगस्त 2022 में मणिपुर में बीजेपी की सरकार कुछ और ही बिल लेकर आती है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद दो कम्युनिटीज में नफरत घोलने का काम किया जाता है, और कुछ ऐसा किया जाता है जो कांतारा फिल्म में भी दिखाया गया था। ऐसी चीजें जिसकी वजह से बाद में जाकर ये भयंकर एथनिक वायलेंस देखने को मिलता है। क्या थी ये चीजें, इसकी बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया तो इतने आप ये वीडियो देख सकते हो यहाँ क्लिक करके, हाउ ब्रिटिश टुक ओवर इंडिया, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स रचा ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा जमाने के लिए। बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।